के हिसाब से वो भी उनको प्रदान किया गया। हाथरस की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आसपास के विवाद कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो न सिर्फ हम पर बल्कि हमारे परिवार पर भी असर डालते हैं। हाथरस के इस परिवार को इंसाफ मुआवजे से नहीं मिलेगा। हाथरस के इस परिवार को इंसाफ तब मिलेगा जब उन चारों दरिंदों का सही तरीके से पता लगाकर उन्हें सजा दी जाएगी। आज हम हक की बात के जरिए ये बात सभी को बता देना चाहते हैं और समझा देना चाहते हैं कि नेताओं के वादे हर बार होते रहेंगे, प्रशासन हर बार मुस्तैदी से काम करने की बातें करता रहेगा, लेकिन आपको अपना बचाव खुद करने की जरूरत है। अगर आप कोशिश करेंगे कि कभी किसी से वाद विवाद हुआ है और उस वाद विवाद को निपटा दिया जाए, उस वाद विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे विवादों को खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार वादे करती चली जाएगी, नेता सिर्फ आपको बहलाएंगे और फुसलाएंगे, और अधिकारी सिर्फ आपको दिलासा देते नजर आएंगे। आखिरी में रोना आम इंसान को है। आज हक की बात में मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के पुलिस के सिस्टम को बदलना होगा। जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास सबसे पहली बार जाता है, तभी पुलिस को उस अपराध को गंभीरता से लेना होगा, उसकी गहन पड़ताल करनी होगी और उसके बारे में सर्च करके उसे तुरंत नतीजे पर जल्दी पहुंचाना होगा, ताकि विकास दुबे जैसे कांड ना हो, ताकि हाथरस की इस बेटी के साथ जो हुआ है ऐसी विभत्स घटनाएँ उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बेटियों के साथ ना हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आइन भारत। जय हिंद।